नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश एसकाडो चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। और यहां पंजाब में ठंड बहुत बढ़ चुकी है, तो खैर जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम ड्रीम 11 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्पेशली नए लोगों के लिए है जो कि ड्रीम 11 अभी नए नए हैं और मैचेस वो जीत नहीं पाते हैं, मैचेस हार जाते हैं, उनका लॉस हो रहा है। तो ये कह सकता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद, ड्रीम 11 टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद, आप भी मैच जरूर जीतोगे। इस चीज के अलावा मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन आपका जो जीतने के चांसेस है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते ट्यूटोरियल को आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी हम ड्रीम 11 एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में हैं और यकीन मानिए ड्रीम 11 किस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके मैंने काफ़ी सारे मैचेस विन किए हैं। और ये तो नहीं बोलता कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपके चांसेस है और आप नए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पे आप मेरे डैशबोर्ड में देख सकते हो अपकमिंग मैचेस की यहाँ पे लिस्ट है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे मैचेस हैं, जैसे यहाँ पे एक मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ये वोमेन की टीम है जो ये लेडीज़ लोग का होता है। तो यहाँ पे ये सारे कंटेस्ट हैं, तो यहाँ पे देखिए अभी टोटल 115 कंटेस्ट हैं। तो एक्चुअली ये है क्या कि जब कभी वर्ल्ड कप का या जब भी कोई फेमस या पॉपुलर मैच होने वाला है तो उसमें आपको हज़ारों में कंटेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे ये जो ट्रिक है डेड श्योर काम करती है। हालांकि आप अभी के मैचेस में भी इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ काम आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अभी दो दिन बाद एक मैच है इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का, ओडीआई मैच है, वन डे इंटरनेशनल मैच है। तो इसमें भी लोग थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस टिप को कैसे यूज़ करना है, कैसे ये काम करेगा, उसके पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कंटेस्ट होते हैं, यहाँ पे आप अपना खुद का भी कंटेस्ट क्रिएट कर सकते हो। अपना खुद का कंटेस्ट क्रिएट करके भी आप यहाँ पे जीतने के आपके जो चांसेस है कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा किस तरह से जब आप अपना क्रिएट कंटेस्ट क्रिएट करोगे तो उसमें आप कौन से टिप्स को ऐसे यूज़ करोगे जिसमें कि अगर आप उस कंटेस्ट को कोई ज्वाइन करता है तो उसमें जो आपकी विनिंग के चांसेस है वो कैसे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो हमारा जो मेन यहाँ पे ट्यूटोरियल है, जो मेन टिप है ड्रीम 11 की, उसके ऊपर बात करते हैं। ये स्पेशली नए लोगों के लिए है। जैसे कोई भी मैच है आपने उसको ओपन कर लिया, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना। ऐसा जैसे डैशबोर्ड आता है, आपने एक टीम क्रिएट करनी है। क्रिएट टीम, टीम क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जितनी भी आप बेकार टीम क्रिएट कर सको, जितनी भी आप मतलब वीक टीम क्रिएट करनी है, आपको अच्छी टीम नहीं बनानी है, बहुत ही मतलब ख़राब से ख़राब अपने यहाँ पे टीम बनानी है। तो यहाँ पे जैसे विकेट कीपर की ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऐसा कोई विकेट कीपर आप अगर आपके दिमाग में है कि हाँ ये बंदा खेलेगा नहीं, अगर खेलेगा तो ये बहुत बुरा खेलेगा, तो इस टाइप का कोई भी यहाँ पर विकेट कीपर आप ले लो। जैसे यहाँ पर मैंने एक विकेट कीपर ले लिया जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बैट्समैन है तो यहाँ पे हमने बैट्समैन भी लेना होता है, तो वही जो आपको लगता है कि हाँ बैट्समैन जिसके परफॉर्म करने के चांसेस कम है, तो यहाँ पे मैंने बैट्समैन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे चार मैंने ले लिए बैट्समैन। ऑलराउंडर भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तीन, तो जो मेरे हिसाब से जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नीचे वाले लोग रहते हैं वही अच्छा परफॉर्म नहीं करने होते, या फिर जिनकी बारी आने की, बैटिंग आने की चांसेस कम होते हैं वो नीचे ही रहते हैं। जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो टॉप पे ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पे मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन मेरे को ऐसा ही बनाना है जिसपे मेरे को बहुत कम लगे कि हाँ ये बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही घटिया सी टीम मैंने क्रिएट कर ली। अब जब घटिया सी मैंने टीम क्रिएट कर ली यहाँ पे, अब ये हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपको जैसे फ्री का एंट्री के भी यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाए। जैसे अभी मेरे लिए यहाँ पे बहुत सारे कंटेस्ट फ्री में आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन को, जिनको मैं फ्री में ज्वाइन कर सकता हूँ, तो ये तो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने अपनी टीम बना ली बहुत ही बेकार सी आपने टीम बनाई है। अब यहाँ पे हमने लगाना है फिल्टर, ऑल फिल्टर्स में चलेगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे एंट्री मतलब जो 1 रुपये से लेकर के 1,000 तक के मैचेस को हम यहाँ पे देखेंगे, और हमको स्मॉल लीग्स यानी कि जिसमें प्लेयर्स बहुत ही कम हों प्ले करने वाले, क्योंकि जितने कम प्लेयर्स होंगे उतने ही जीतने के चांसेस आपके ज़्यादा रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली 3 से 10 प्लेयर्स ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 करता हूँ तो उसमें क्या है कि कंटेस्ट बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप वगैरह के मैचेस रहते तब तो मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहती। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, अप्लाई कर देना है फ़िल्टर। अब हमारे सामने वही फ़िल्टर्स आए हैं
जिसमें एंट्री फीस ₹1 से लेकर के 1,000 होगी और जिसमें जो टीम होगी वो 10 से ज़्यादा होगी ही नहीं, 3 से लेकर के 10 के बीच में वो टीमें होंगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि तीन का तीन स्पॉट लेफ्ट है, यहाँ पर 2 विनर्स आएंगे और एंट्री यहाँ पे 777 की एंट्री है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और छोटा लीग कर लेता हूँ, जैसे कि ₹100 तक का लीग यहाँ पे हम फिल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हालांकि अभी ये जो मैचेस यहाँ पे एंट्री है मेरी फ्री है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिक है वो आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ₹19 की ये लीग है, तो यहाँ पे सिंपली जैसे ही आपने यहाँ पे अपनी घटिया टीम बनाई है, होता क्या है कि ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, जो कि मुझे मेरे गेम के जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे कि जब बड़े मैचेस होते हैं उसमें बहुत सारे कंटेस्ट होते हैं, हज़ारों में कंटेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे ₹19 वाला कंटेस्ट है, तो ₹19 वाला कंटेस्ट भी कम से कम मतलब यहाँ पे 500-700 ऐसे कंटेस्ट होते हैं। और जब आप फिल्टर करते हो, अगर आपने टीम पहले से बना रखी है, तो ड्रीम इलेवन क्या करता है, जिस तरह की आपकी टीम है आपके हिसाब के जैसी टीम ही आपको दिखाएगा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पबजी के मैच अगर आप खेलते हो, अगर एक नया आदमी पबजी खेल रहा है, तो उसका जो मैच लगेगा वो उसके लेवल के आदमी से ही मैच लगेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो बंदा मतलब बिल्कुल फ्रेशर है उसका मैच किसी एक्सपर्ट से लगा देंगे, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी टीम जो है बहुत ही यहाँ पे वीक टीम है, उसी हिसाब से हमको यहाँ पे कंटेस्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सपोज ₹19 वाला कंटेस्ट है, जैसे आपने क्लिक किया, अब इसमें आपने सिंपली क्या करना होता है, इसको आपने ज्वाइन कर लेना होता है इस कंटेस्ट को। यहाँ पे ये चीज़ फुल है, स्पॉट्स यहाँ पे फुल हो चुकी हैं, क्योंकि फ्री वाले हैं तो ऑलरेडी नो डाउट फुल हो गए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई और ले लेता हूँ, ₹60 का है। अब हमने सिंपली क्या करना होता है, कंटेस्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे तो मेरा फ्री में ज्वाइन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंटेस्ट को अब कर लिया ज्वाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, आप देख सकते हैं जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आपको कुछ टाइम इसको वेट करना और चेक करते रहना है कि जैसे ही स्पॉट्स फुल हो जाते हैं। अभी यहाँ पे 4 स्पॉट्स अभी भी लेफ्ट हैं, हालाँकि मैच 2 दिन बाद होने वाला है, तो ये कल तक मतलब फुल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको भी पता है कि ये फिल हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि जैसे ही आपने देखा कि ये कंटेस्ट फुल हो चुका है, यानी कि जिन जिन लोगों को इसमें आना था कंटेस्ट में वो सभी आ चुके हैं, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका मेन टिप जो होता है वो स्टार्ट होता है कि जो भी आपकी यहाँ पे टीम है, जो भी यहाँ पे आपके मैचेस हैं, आपने उसको क्या करना होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये कंटेस्ट हमारे सामने आ चुका है, कंटेस्ट में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर लीडर बोर्ड में जाकर के जो भी यहाँ पर प्लेयर्स अब तक ज्वाइन हो चुके थे, यहाँ पर जो आपका रहेगा उसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी आपकी टीम है, जो आपकी अब तक की घटिया टीम है, आपने उसको क्या कर लेना है, अब उसको कर लेंगे हम एडिट। एडिट करने के बाद वही टीम जो हमारी घटिया थी, अभी हम उसको क्या करेंगे, इसको हम चेंज करके जो हमको लगता है कि अच्छा प्ले करेगा, उस हिसाब से जो भी हमारी टीम है उन सभी को रिमूव करेंगे और अपने हिसाब से जो आपको अभी यहाँ पे लगे कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसकी उन लोगों की यहाँ पे हमने टीम बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं टीम बना लेता हूँ एक बार अपने हिसाब से, और यहाँ पे मैंने किया टीम को सेव। तो यहाँ पे टीम अभी मेरी सेव हो गई है और टीम यहाँ पे देख सकते हो कि चेंज हो गई, जो पहले टीम थी वो चेंज हो गई है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ का हमको बेनिफिट मिल गया और जो चीज़ थी वो आप समझ गए होंगे कि अब इसका कैसे इसमें आपको बेनिफिट। अगर आप अपनी टीम एडिट नहीं भी करना चाहते, तो उसके बाद में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपने सिंपली माई टीम में जाना है। माई टीम में जाने के बाद क्रिएट टीम टू, यानी कि सेकंड टीम आपने क्रिएट करनी है। सेकंड टीम आपने जो आपको अच्छा टीम क्रिएट करना है वो आपने सेकंड टीम यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। मैंने सिंपली टीम बना ली, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से, जो मेरे को लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पर टीम सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर मेरी 2 टीमें बन गई। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं उस टीम को सिंपली क्या करूँगा कि रिप्लेस कर दूंगा, या फिर किसी और कंटेस्ट में मैं इस तरह के दोनों टीम्स को यूज़ करके लाइक मैं 2-2 टीम्स, 2 अच्छी टीमें बना करके भी किसी एक मैच में लगा सकता हूँ, जहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज अलाउड हैं। जहाँ पे मल्टीपल एंट्री अलाउड वहाँ पे आप एक ही कंटेस्ट में 2-3 जितनी भी चाहे टीम्स बना सकते हो, जो भी आपके हिसाब से गैसेस बनते हैं आप वहाँ पे लगाएं। जितने ज़्यादा आपकी यहाँ पे टीम रहेगी उतने ज़्यादा आपके विनिंग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी हमारी ड्रीम इलेवन की टिप, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी और इसको आप जरूर ट्राई करके देखें। और कोई प्रॉब्लम परेशानी आती है, कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने टेलीग्राम के ऊपर अपने ग्रुप्स बना रखे हैं। और यहाँ ये ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं कि आपसे पैसे मांगते हैं, पेड सर्विस देते हैं कि आपको गारंटेड टीम बना के देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना है। आपको ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि जो आपको गारंटेड यहाँ पे ऐसी टीम बना दे जो कि आपको विनिंग के चांस देगा, तो इन सब की चीज़ों से आपने बचना है।
और जैसे आप गूगल में सर्च करके बहुत सारे आपको टिप्स ट्रिक्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जहाँ पे पूरी डिटेल देते हैं, टीम सबको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको फॉलो करके एक दो मैच आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली जो कम अमाउंट की लीग्स हैं जिसको आप सिंपली यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो स्टार्टिंग में 1 से 50 रुपये तक की लीग्स आप निकाल सकते हो, तो उन उसके हिसाब से आप जो भी इसमें आप लगा सकते हो। तो बेसिकली यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट है क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।